ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यह अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सके। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज है 18 नवंबर 2020, वेनसडे है, सुबह के 8:36 हो रहे हैं। निफ्टी का इस वीक का दूसरा ट्रेडिंग सेशन है। कल हमने देखा जबरदस्त गैप अप ओपनिंग, फिर से एक बार ऑल टाइम हाई लगाने के बाद निफ्टी इंडेक्स सस्टेन नहीं हुआ हो पाया वहां पर, वहां से टूवर्ड साउथ की तरफ आया पूरे दिन, जैसे हमने मुहूर्त ट्रेडिंग पे देखा था। तो यहाँ पर जैसे कि हमने कल निगेटिव डाइवर्जेंस देखे थे आरएसआई की, कि बुल्स का स्ट्रेंथ जो है वो कम है बेयर्स के कंपेयर में, तो जो ओपन हो रहा है वहां पर सस्टेन नहीं हो पा रहा है, या फिर इसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स कैरी नहीं कर रहा है, तो बुल्स का स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं कम होते हुए नजर आ रहा है। निफ्टी इंडेक्स हायर हाइज तो लगा रहा है, नए हाइज, लेकिन जो स्ट्रेंथ है बुल्स का वो इतना कंपेयर में बेयर्स के इतना हावी नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं, फिर इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ये कल का पिक्चर है, यानी 17 नवंबर आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर ये आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बना रहा था 12,823। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं निफ्टी इंडेक्स काफी ऊपर गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद साउथ की तरफ आया, और ये जो 50 EMA का ब्लू लाइन है इसका सपोर्ट लेके जैसे बाउंस बैक हुआ, तो ब्रेकआउट लेवल ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट 12,838 ये यहाँ पर अचीव हुआ, सेकेंड टारगेट भी 12,855 ये भी अचीव हुआ। काफी देर निफ्टी इंडेक्स इन लेवल्स के बीच में ट्रेड हो रहा था। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 14 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था। 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 10,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं क्विकली। कल US मार्केट में भी देखें तो वहां पर भी कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ रहे यूरोप और अमेरिका में, तो थोड़ा सा वहां पर टेंशन देखने को मिल रहा है कि कहीं फिर से लॉकडाउन ना हो जाए। ऑलरेडी UK में लॉकडाउन कर दिया गया है, 4 दिसंबर तक वहां पर लॉकडाउन चलेगा। नासडैक करीब 24 पॉइंट के गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स में भी देखे तो हल्की सी कमजोरी नजर आई। एशियाई बाजार आज जब ओपन हो चुके हैं तो एक फ्लैट नोट के साथ यहाँ पर कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। डाव फीचर भी देखे तो हल्की सी गिरावट इस समय डाव फीचर में भी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा सा चौपिनेस देखने को मिल रहा है, कमजोरी देखने को मिल रही है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है, जैसे कि हम यहाँ पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटीज क्या हो सकती है आने वाले लेवल्स की। तो फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को यूज किया है। पहले तो हमने देखा कि यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स ने 38.2% को यहाँ पर इसने रिस्पेक्ट किया, ये ब्रेक होने के बाद 50% का लेवल इसने अचीव किया। अभी 61.8% का ब्रेकआउट मिला है। तो अभी यहाँ पर वीकली चार्ट में ये इन दो लेवल्स के बीच में ऊपर 13,000 का एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी होगा। अगर निफ्टी यहाँ से और ऊपर की तरफ जाता है तो 13,000 के आसपास हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। डेली चार्ट पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कई बार हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। अगर आप यहाँ से देखें 3-4 दिनों से, तो यहाँ पर हैंगिंग मैन जैसा कैंडलस्टिक फॉर्म हो रहा है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं आ रहा है। कंफर्मेशन के लिए क्या होना चाहिए कि कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर ये जब भी हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक आता है तो एक बियरिश कैंडल बनना चाहिए और जो हैंगिंग मैन का लो है वो कंफर्टेबली ब्रेक होना चाहिए, तो ही यहाँ पर कंफर्मेशन मिलेगा कि ये हैंगिंग मैन पैटर्न जो है ये कंप्लीट हुआ है और यहाँ से करेक्शन गहरा सकता है या और भी टूवर्ड साउथ की तरफ आ सकता है। लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूस हायर हाइज बन रहे, तो निफ्टी इंडेक्स ने कल फिर से एक हैंगिंग मैन जैसा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। अगर यहाँ पर ऐसा बियरिश कैंडल बनता है तो यहाँ से ये करेक्शन और गहराता हुआ नजर आएगा। हालांकि निफ्टी इंडेक्स ऑल टाइम हाई के पास है, अनचार्टेड टेरिटरी में, ये इस लेवल के पास निफ्टी इंडेक्स पहले कभी नहीं था। तो अगर आरएसआई को देखें, आरएसआई अभी एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन में है, यानी 7200 ओवरबॉट जोन माना जाता है, उसके अंदर ये ट्रेड कर रहा है, एक्सट्रीम ओवरबॉट है। तो अगर कोई भी यहाँ से अगर
रिवर्सल का सिग्नल यहाँ पर दिखाई देता है, तो कॉशियस रहना होगा लॉन्ग जाते वक्त। हर एक ऊपरी लेवल पे हमें दिखाई दे रहा है प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, ओपन के ऊपर क्लोज नहीं हो पा रहा है, जहां पर ओपन हो रहा है उसके नीचे आके जस्ट क्लोज हो रहा है लास्ट 2 दिन से, तो थोड़ा कॉशियस रहना होगा। तो ये डेली और वीकली चार्ट का सीनारियो। चलते 60 मिनट की चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे क्विकली। निफ्टी इंडेक्स कल का ये जो क्लोज बना है यानी अराउंड 12,874 के पास, इसके ऊपर ये जो रेड कैंडल है लास्ट 12,883 इसका हाई है, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है 15 या आधे घंटे के चार्ट में, तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,897। ये हमारा क्विकली एक छोटा सा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा यहाँ पर 12,913, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स साउथ की तरफ आता है तो यहाँ पर ये जो लेवल है यानी अराउंड 12,802, इसको अगर ब्रेक करता है, ये स्विंग लो है कल का, ये स्विंग लो इसने बनाया था इस लेवल के पास, तो कंफर्टेबली 12,802 को ब्रेक करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,778, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 12,759, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।